तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप गैलरी के अंदर वीडियो या फोटो को कैसे छिपा सकते हैं। और ये जो मैंने गैलरी ऐप ओपन की है, ये गैलरी ऐप लगभग सभी मोबाइल के अंदर होती है और एमए मोबाइल के अंदर तो होती ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी गैलरी के अंदर कई सारे वीडियो या फोटो है। यहाँ पे मैं दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो है फोटो वाला और दूसरा एल्बम वाला। यदि आप एल्बम के अंदर जाकर भी अपने वीडियो या फोटो छिपाना चाहते हैं तो यहाँ से भी छिपा सकते हैं। और यदि आप फोटो के अंदर जाके वीडियो या फोटो को छिपाना चाहते तो यहाँ से भी छिपा सकते हैं। तो छिपाने के लिए आपको क्या करना है कि आप जिसको भी छिपाना चाहते हैं सबसे पहले उनको सेलेक्ट करना होता है, चाहे वीडियो हो या चाहे इमेज हो। तो यहाँ पे जैसे कि मैं इन दोनों इमेज को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि एक ये किया और एक ये, आप इसकी जगह वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको सेलेक्ट करके क्या करना है कि नीचे आपको मिलता है ऐड टू एल्बम, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे मिलता है प्राइवेट एल्बम, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद नीचे आपको ओके पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक लॉक पैटर्न बनाना है या फिर फिंगरप्रिंट ऐड करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉक पैटर्न बना लेता हूँ और उसको वापस कंफर्म करने के बाद हमें नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यदि आप अपने जो फोटो है, जो वीडियो है, आप गैलरी के अंदर जो आप सेव करते हैं उसका आप बैकअप लेना चाहते हैं तो ऐड पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आपके जो वीडियो या फोटो आपने जो सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पे छिप जाते हैं। फिर यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको एल्बम के अंदर जाके आपको उसको इस प्रकार से नीचे करना होता है। तो इसको आपको कैसे देखना है ये यहाँ पे बता लूँ कि आपको क्या करना है कि आपको इसी के पास में आपको एल्बम मिलता है, तो आपको एल्बम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे इसको इस प्रकार से खींचना है और इसके बाद आपको नीचे आना है। तो नीचे आपको ओके का जो ऑप्शन मिलता है आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो पैटर्न लॉक है उसको आपको वापस यहाँ पे लगाना है, जैसा आपने पैसे लगाया था वैसा लगाना है। उसके बाद आपको सेटिंग पर क्लिक करना है और इसके बाद आप यहाँ पे अपना जो ये पैटर्न लॉक है उसको अनलॉक कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपने जो भी फोटो या वीडियो छिपाए थे वो यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे इसको वापस आप अपनी गैलरी के अंदर लेना चाहते हैं, अनलॉक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे रिमूव फ्रॉम प्राइवेट का जो ऑप्शन मिलता है आप इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से वापस आप जिस भी फोल्डर के अंदर भेजना चाहते हैं वो फोल्डर यहाँ पे सेलेक्ट करके आप वापस वहाँ पर भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे वापस इसको भेज दिया है। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।